उस्ताद अल कुर्रा बड़ी मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत कारी फारूक साहब किबला बेकसूर को आप मैं समझ रहा था, क्योंकि वक्त की तलवार मेरी गर्दन पर लटकती रहती है, उसको संभालना भी है ना। बेकसूर को आपा ने जिंदगी, बोल दो एक बार जिंदगी, सारे लोग बोले जिंदगी, यहाँ से लेके वहां तक मदीने वाले मुस्तफा को मनाने के लिए बोले बेकसूर को आपा ने जोर से जिंदगी अता कर दी, और मैं समझ नहीं पाता इसके मुस्तफा अशरफ मेरे आला हजरत ने आशिकी अता कर दी, मेरे आला हजरत ने आशिकी अता कर दी, सरवरे दो आलम ने हर खुशी अता कर दी। आइए बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शबीउल हसन साहब किबला की बारगाह में मैं रिज़ा पेश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए, अपनी बेहतरीन गुफ्तगू से समाई के दिल पे हुकूमत फरमाए। आइए हजरत की आमद शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुरमते रूए पयंबर यक नजर कुन सुए माँ, ऐ अशरफे जमाना जमाना मदद नुमा, दरहाए बस्ता रास कलीदे करम कुशा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब ये शायरी मक्का शरीफ में हो रही थी अपने नबी की तारीफ करते हुए हजरत हसन फरमाते हैं व अहसनो मिन कलम तरकत आईनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ले ऐबिन कअन्नमा कद खुलिकता कमा तशाऊ। जब ये शायरी मक्का शरीफ से निकल के मुल्क ईरान पहुंची तो हजरत शेख सादी फरमाते हैं हजार बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। जब ये शायरी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बरेली शरीफ पहुंचती है तो हमारे आपके आला हजरत जब अपने नबी की तारीफ में जबान खोलते हैं तो फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, तरनो बदली रसूलों की होती रही शाद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से अवलिया अवलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, जोर से पूरा मजमा देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमजदों को रजा मुजदा दीजे की है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अगर हकीकत में वो आपका नबी है तो पूरा मजमा आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक स्टेज से लेके नीचे तक अपने नबी की मोहब्बत में जुरूदे पाक बल्ले अल्लाहुम्मा सल्ले अला हजरत। जश्ने दस्तार बंदी का जलसा है, तवज्जो करें मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं थोड़ी सी गुजारिश अपने बड़े भाइयों से अपने बड़े आलिमों से स्टेज के बैठे हुए अइम्मा उलमा हुफाज कुर्रा से गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं मुश्किल से 20-25 मिनट का वक्त आपका लेने के लिए आया हूँ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इस गांव से मुझे खास नस्बत है। आज इस जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत हाफिज फारूक साहब, आप देखें जितना इनका वजन है ना इतनी ज्यादा इनके अंदर दम भी है, इतना बड़ा जलसा करवाना ये जिगर वालों का काम होता है। एक जलसे वालों से पूछो कि एक जलसे में सारे मुकर्ररों को इकट्ठा कर देना कितना मुश्किल काम होता है,
लेकिन आज उन्होंने ये काम करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बतें हैं, आप सब इनकी दावत पे हाजिर आए हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर आयत पढ़ी है, कुरान के ताल्लुक से मैं थोड़ी देर गुफ्तगु करता, जिस कुरान को आज आपके बच्चों ने अपने सीने में बसाया, जिस कुरान को आज बच्चों ने याद किया है, जो कुरान आज अल्लाह ने नेमत के तौर पे हमें अपने नबी के वसीले से अता फरमाया है, आज मैं बताऊं वो कुरान क्या है। आप याद फरमाएं, हर कुरान को कुरान फरमाता है कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमून। ऐ महबूब, आप जरा लोगों से कह दीजिए, आप लोगों से पूछ लीजिए, आप लोगों से बता दीजिए, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? क्या पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर हो सकता है? क्या एक समझ वाला और ना समझ बराबर हो सकता है? दुनिया में जिस किसी इंसान के पास ये सवाल रखोगे, फौरन वो जवाब देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, अनपढ़ और पढ़ा लिखा बराबर नहीं है, आलिम और जाहिल बराबर नहीं है। फिर आखिर कुरान ने ये हमसे सवाल किया क्यों है? आइए मैं बड़ी तेजी के साथ आपको बताऊं, कुरान ऐसी किताब है, दुनिया की सारी किताब को लिखने वालों ने कोई ये चैलेंज करने की हिम्मत नहीं पैदा कर पाया कि मैंने जो किताब लिखी है इसमें कोई गलती नहीं है। हजरत इमाम शाफई ने किताब लिखी, 70 बार उस किताब को पढ़वाया, जितनी बार वो किताब पढ़ी जा रही थी कोई ना कोई गलती नजर आ रही थी। 70 बार पढ़ने के बाद इमाम शाफई फरमाते, इस किताब को उठा के रख दो, दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसकी किताब में कोई गलती नहीं हो। अगर ये किताब हमें मिली है तो उस किताब का नाम कुरान है, जो ऐलान करता है जालिकल किताबों ला रही बाजी, ऐ लोगो ये वो किताब है जिसमें गलती तो छोड़ो नुक्ता पढ़ाने की भी गुंजाइश नहीं है। वही कुरान है जो बच्चों ने याद किया। यहाँ बैठे हैं आज उमूमन एक सवाल लोग करते हैं, मौलाना लोग चंदा करने के लिए पहुंच जाए ना तो वो शेख साहब जवाब देते हैं कि मौलाना लोग तो खाली खाने पीने का धंधा बनाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो तुम इतराए घूम रहे हो। आने वाले महीने के बाद रमजान है, अप्रैल की 25 तारीख से रमजान शुरू है, जाओ किसी कॉलेज में, जाना किसी यूनिवर्सिटी में, जाना किसी बड़े से बड़े प्रोफेसर के पास और उससे कहना, हजरत साहब, मास्टर साहब, कंडक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, जरा एक हाफिज कुरान दे दीजिए, मस्जिद में तरावी सुनानी है, मस्जिद में 30 पारे सुनाने हैं, उनकी नानी मर जाएगी, पूरी यूनिवर्सिटी एक तरफ हो जाएगी। एक हाफिज कुरान देने की हिम्मत नहीं है तो कुरान का हाफिज आपको ये मदरसे अता करते हैं, यही मदरसे देते हैं जो आपकी जरूरत पूरी होती है। इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं कुरान के हवाले से एक गुफ्तगु करूं। एक बात मैं आपको बताऊं, मुल्के फ्रांस है, फ्रांस की सरजमीन है, यहूदियों ईसाइयों ने एक मीटिंग करी, फैसला हुआ कि चलो कुरान को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, ना कुरान दुनिया में रहेगा, ना कुरान को मानने वाले दुनिया कुरान पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे। वक्त मुतय्यन हो गया, दिन मुतय्यन हो गया, तारीख मुतय्यन होगी, फला डेट पे फ्रांस के चौराहे पे कुरान में आग लगाई जाएगी, कुरान को दुनिया से मिटाया जाएगा, कुरान को खत्म कर दिया जाएगा, दुकानों से, मकानों से, सारे घरों से कुरान के नुस्खों को लाके चौराहे पे फेंक दिया गया, चारों तरफ से लाखों नुस्खे कुरान के चौराहे पे इकट्ठा कर दिए गए। आज भी फ्रांस की सरजमीन इस बात की गवाह है कि दुनिया ने जहां कुरान जलाया था, दुनिया वाले ने जहां कुरान इकट्ठा किया था, चारों तरफ कुरान के नुस्खे नजर आ रहे हैं, बहुत ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर दी गई हैं। वक्त आ गया है कि अब कुरान में आग लगाई जाए, वक्त आ गया है कुरान को दुनिया से मिटा दिया जाए। चौराहे पे मजमा लगा है, सारे लोग तमाशा देखने के लिए तैयार है कि आज कुरान को दुनिया से मिटाया जाएगा, आज कुरान को दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। लोग तमाशा देखने वाले आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं, बड़े बड़े यहूदियों के आलिम आ गए हैं, बड़े बड़े यहूदियों के सलेबियों के पादरी आ गए हैं, ये मंजर देखने के लिए कि कुरान को मिटाया जा रहा है, कुरान को खत्म किया जा रहा है। आओ जरा तवज्जो करने की जरूरत है, कुरान पाक को सामने रखा गया है। एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा पढ़ा लिखा अंग्रेज उधर से गुजरा, पूछा भाई ये मजमा कैसा है, ये लोग कैसे है? आगे अरे माशाल्लाह, देख रहे हैं आप?
अहले सुन्नत सानिया हनीफ कुरैशी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला अमरों की आमद आमद हो रही है। तेरा नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शकील साहब क़िबला, अल्लामा शकील साहब क़िबला। अब मैं गुजारिश करूँ, आप लोग बैठ जाओ, उलमा ने इस्तकबाल कर लिया, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाओ। ये जलसा देखो बड़ी सब आप लोगों का है, आप लोग जिम्मेदारी इसकी निभाएं, मुझे यकीन है इंशाल्लाह जलसा बहुत कामयाब चल रहा है। बैठ जाए, बैठे बैठ जाओ, बैठे। अल्लामा शकील साहब आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि इतने ऊंचे पे बैठ जाए ताकि लोग ज़ियारत कर लें आपकी। वाह वाह, बैठे चचा। ये देखे बड़ी तेजी के साथ एक से एक खतीब है। मैं शुरुआत में इसलिए आया हूँ ना कि मोटी मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी पहले लगाई जाती है, समझ रहे नहीं आप लोग? हमारे इलाके में कचौछा में तो ऐसी होता है, इधर कैसे होता मुझे पता नहीं। हाँ, मोटी मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए पतली वाली को पहले लगाते हैं, इसमें आग पकड़ लेगी तो फिर मोटी वाली आसानी से जल जाएगी। ये बड़े बड़े मुकर्रीन तशरीफ ला रहे हैं, हिंदुस्तान का कोना इनसे नहीं बचा है जहाँ ये दौरे नहीं कर रहे। ये आपकी आपकी मोहब्बतें हैं कि उनको यहाँ खींच के लाई हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ जरा मोहब्बत से मौलाना शकील साहब क़िबला अमरोहा का इस्तकबाल करें, दोनों हाथों को ढाके कह दें या रसूल अल्लाह। आप बताओ, आज हम लोग अपने जलसों में हाथ उठवा लेते हैं ना, सुभान अल्लाह कहलवा लेते हैं, तो इनके डबल 12 कंपनी के पेट में दर्द होने लगता है कि यार सुन्नी लोग तो आधा जलसा खाली हाथ उठवाने में खत्म कर देते हैं। हाँ, शायर आएगा वो भी कहेगा, मुकर्रर आएगा वो भी कहेगा, नाथखा आएगा वो भी कहेगा, जितने लोग आएंगे सब कहते हाथ उठा के कह दो। हमने कहा मुल्ला जी तुम्हें पता नहीं है हाथ उठाना मेरे नबी की सुन्नत है, हाथ उठाना मेरे नबी की सुन्नत। तो कहेगा सुन्नी लोग हर जगह कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेते। मैंने कहा सुन, जंगे खैबर का मौका है, हजरत अली को नबी ने बुलाया, अली इधर आओ इधर आओ। हजरत अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह आंखें दुख रही है, आने की हिम्मत नहीं है, चल नहीं पा रहा हूं। नबी ने कहा पकड़ा के लाओ, हजरत अली को पकड़ा के लाया गया। नबी ने अपना थोड़ा सा थूक थोड़ा सा लोहाबे देन अली की आंखों में लगाया और कहा अली बोलो अम्मा मिला क्या है। हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह ये आंखें इतनी अच्छी हो गई, लग रहा है कभी बीमार हुई नहीं थी, आंखें इतनी अच्छी हो गई, लग रहा है कभी इनमें बीमारी आई ही नहीं थी। नबी ने कहा अली आंखें अच्छी हो गई तो एक हाथ में झंडा ले लो और एक हाथ मुस्तफा जाने रहमत में अपने हाथ में पकड़ो और दुनिया को मुखातब करके सहाबा के सामने नबी फरमाते हैं मेरे सहाबियों सरा देख लो, मैं अली का हाथ पकड़ के हवा में उठाता हूं और यह ऐलान करता हूं मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है, जिसके मैं मौला हूं उसके अली भी मौला है। अली के नाम पे हाथ उठाना मेरे नबी की सुन्नत है, रसूल के नाम पे हाथ उठाना तमाम वलियों की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी का दयार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो तवज्जो, मेरा वक्त बहुत कम है। फ्रांस की सरजमीन पे कुरान पाक के नुस्खों को इकट्ठा कर दिया गया। एक बूढ़ा अंग्रेज उधर से गुजरा और पूछने लगा भाई ये मजमा कैसा है, इतनी भीड़ क्यों है, वजह क्या है, मामला क्या है। लोगों ने बताया तुम्हें नहीं पता आज मुसलमानों की धार्मिक किताब में आग लगाई जाने वाली है, तुम्हें नहीं पता कुरान को दुनिया से मिटाया जाना है, तुम्हें नहीं पता है कि कुरान को दुनिया से खत्म करना है, ना कुरान दुनिया में रहेगा ना मुसलमान उसे पढ़ेगा, ना कुरान दुनिया में रहेगा ना मुसलमान तरक्की करेगा। आपको शायद पता नहीं होगा जहाज बनाने वाला सबसे पहला नाम मुसलमान का है, बल्ब बनाने वाला सबसे पहला साइंसदान मुसलमान है, रेडियो बनाने वाला सबसे पहला बंदा मुसलमान है, कैमरा बनाने वाला सबसे पहला बंदा मुसलमान है, दुनिया को चलाने का निजाम देने वाला बंदा मुसलमान है, सरहद पे चौकियां बैठाने वाला बंदा निजाम लाने वाला मुसलमान है, दुनिया में पुलिस का डिपार्टमेंट कायम करने वाला बंदा मुसलमान है, शहर में जिला के जज को बैठाने वाले का नाम मुसलमान है। यार जो दुनिया के निजाम चल रहा है ना, पुलिस है, मिलिट्री है, फोर्स है, शहर में जिला जज बैठते हैं, ये सारा निजाम दिया हुआ उमर फारूक आजम का है। इतना कुछ किया है मुसलमानों ने। आओ जरा देखो, अंग्रेज ने पूछा ये मजमा कैसा, लोगों ने कहा मुसलमानों की किताब को खत्म करना, कुरान को उठा के जलाने जा रहे हैं हम लोग, सारे घरों से, सारे कुतुबखानों से, सारी लाइब्रेरियों से, सारी जगहों से कुरान को इकट्ठा कर दिया गया। था वो बूढ़ा
अंग्रेज था लेकिन पढ़ा लिखा था। अब जरा तवज्जो करना मेरे जुमलों पे, कहता है बेवकूफ हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम कुरान को तो जला दोगे लेकिन जिन मुसलमान के बच्चों ने कुरान को अपने सीने में याद कर लिया है तुम उन्हें कहां से जला दोगे, उन्हें कहां से खत्म कर दोगे। हमारी कौम का 10 साल का बच्चा है हाफिज़े कुरान है, 15 साल का बच्चा है हाफिज़े कुरान है, 20 साल का नौजवान है हाफिज़े कुरान है। कुरान तो तुम जला लोगे लेकिन हाफिज़े के हाफिज़ों के सीने का क्या करोगे, वो फिर कुरान बदलेंगे। तभी तो कहा गया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आप उस जश्न कुरान में तशरीफ लाए, इन बच्चों ने कुरान पाक अपने सीने में बैठा, एक हदीस पाक सुन ले बात खत्म करो। नबी फरमाते हैं इदा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अन क़रियतिन रफ़अ अल्लाहु अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा, जब कोई दीन पढ़ने वाला तालिबे इल्म कोई आलिमे दीन किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। मुसलमानों जरा सोचो, बंदा सिर्फ गुजर गया है, एक आलिमे दीन तुम्हारे गांव के कब्रिस्तान से गुजर गया है, उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। तो जब आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके इलाके में वो हाफिज़े कुरान रोज चलते हैं तो जरा बताओ अल्लाह बरकतें कितनी अता फरमाएगा, अल्लाह रहमतें कितनी अता फरमाएगा। इसलिए चलते चलते मैं तुम्हें ये पैगाम दे दूं, दुनिया वालों अगर अल्लाह ने तुम्हें दो बेटे दिए हैं, एक को दुनियादार बनाया है तो कम से कम एक को तुम दीनदार बना दो, एक को हाफिज़े कुरान बना दो, एक को आलिमे दीन बना दो। और जब यही आलिमे दीन जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने बाप को, अपने भाई की मेहनत से, अपने बाप की मेहनत से जो बच्चा हाफिज़े कुरान बना है, कल जब ये मैदाने महशर में गुजरेगा सारे लोग खड़े होंगे, एक जमात गुजरेगी, अल्लाह ताला उनको इसी शान के साथ गुजारेगा कि दुनिया पूछेगी परवरदिगार आलम क्या ये नबियों की जमात जा रही है, क्या ये वलियों की जमात जा रही है, क्या ये शहीदों की जमात जा रही है, क्या ये नमाजियों की जमात है, क्या ये हाजियों की जमात है, क्या ये मुफ्तियों की जमात है, क्या ये आलिमों की जमात है। तो दुनिया के सामने मैदान महशर में रब ताला फरमाएगा ना ये नबियों की जमात है, ना वलियों की जमात है, ना सहाबा की जमात है। सवाल होगा मौला फिर ये है कौन से लोग जिनके सर पे इतना अच्छा ताज है कि सूरज की रोशनी फीकी है, चांद की चमक फीकी है, आखिर ये कौन लोग हैं। अल्लाह फरमाएगा ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया है, ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाया है, ये वो भाई है जिसने मेहनत करके अपने भाई को कुरान पाक याद करवाया है। इसलिए मेरी कौम के लोगों, जिंदा रहो तो, मर जाओ तो, कब्र में रहो तो, हश्र में रहो तो, चाहे जहां रहो अपने नबी की मोहब्बत को सीने में बसाओ, कुरान की अजमतों को सीने में बसाओ। कुरान ही एक ऐसी किताब है, चूमना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, देखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है और सीने से लगाना भी इबादत है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं। दलाई लामा का नाम आप लोगों ने सुना, तिब्बत का दलाई लामा, उससे पूछा गया कि एक बात बताओ, दुनिया का आपने पूरी दुनिया का दौरा किया, कोई ऐसी किताब बताओ जिसमें कोई गलती ना हो। तो दलाई लामा जैसे वर्ल्ड लेवल का नेता कहता है, मेरे भाई ये तो किसी और की किस्मत नहीं, वो किताब मुसलमानों की किस्मत में आई है, वो किताब मुसलमानों की किस्मत में है, उसी को कुरान कहा जाता है। और याद रख ले, चाहे जितनी कोशिश दुनिया कर ले उसको मिटाने की, चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ना मेरा खुदा मिटा है ना उसका भेजा कुरान मिटेगा। जिसकी निगहबानी खुदा फरमाता हो, अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। एक बार बताओ, जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा हो उसको कोई मिटा पाएगा, नहीं मिटा पाएगा। ये चाहे जितने लोग हैं, आज मैं तमाम मजमे के सामने इस बात का ऐलान कर दूं कि दिल्ली में जो भी कुछ हुआ है हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, बड़ी सख्ती के साथ हम इस बात को मना करते हैं। हमारा मरने वाला भाई मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क के वफादार शहरी हैं, हम ये चाहते हैं कि दुनिया अमन चैन के साथ रहे
और ये जितना हिंदुस्तान तुम्हारा है उतना ही हिंदुस्तान हमारा हमारा बस मेरी बात खत्म हो गई। आप कभी दिल्ली जाए तो एक मेरी बात नोट कर लीजिएगा, वहाँ इंडिया गेट बना हुआ उस पे 9500 शहीदों के नाम लिखे 95500 कितने कितने जोर से बोलो 95500 शहीदों के नाम लिखे हैं उसमें से 62000 मुसलमान। तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई अमन से रहे, चैन से रहे, सुकून से रहे, मदरसे की खैरियत पूछते रहे, मदरसे के हालात का जायजा लेते रहे, जो हो सके दामे दिरमे कदमे सुखने मदद करते रहे। अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को कुरान पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत के साथ जोर से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी